yesterday I told you about the steps of that. Like, we have to first substitute the value of y in fx, and then ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा recap हो जाए. Rewrite as y is equals to fx, make x the subject, swap the values x and y, the new expression for y is equals to f inverse x. Today we are going to solve different past papers questions. ये थोड़े ज़रा छोटे हैं, लेकिन छोटे means इनका ज़रा size थोड़ा हमें छोटे रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा parts थे तो सारे adjust करने थे. I hope it's kind of visible to you. अगर नहीं है visible तो मैं थोड़ा साथ साथ बोल दूँगा ताकि आप लोगों को clear हो. Now we are having three functions here. He said that fx is equals to x minus 3 whole square, gx is equals to x minus 1 over 4, and hx is equals to x cubed. We are having three functions. The first part is he is saying that find hf1. So it's a composite function, definitely. मैंने इसे break करना था तो first I have to find f1. Definitely यहीं से break होगा, so I need to find f1. So to find f1, I need to put a 1 here in the function fx, 1 minus 3 whole square, and I got negative 2 whole square, which is equals to 4. Now, this f1 is having the value of 4. I have to substitute 4 here in f1. So h4 equals to, I have to substitute the value 4 here, it's 4 cube, so it's 64. 64 is my answer. So again, this is a composite function. We thoda revise karwa deta hun. We have to first break the functions. F1 will come. So we need to find F1. We are having the function fx now. So we have to substitute the value of 1 in x. So F1 yahan pe aa gaya. I need to write 1 minus 3 whole square. That is equals to negative 2 whole square. Negative 2 whole square is 4. Now I know that F1 is having the value of 4. So this was whole my function hf1. So is f1 ki jagah maine 4 likh diya, because I know that I am having the value of 4 for f1. So here it's h4. Now h4 I need to find. I have to check for the function of hx. I have to substitute 4 wherever x is. So I know that it is x cubed, so I have to write 4 cube, which is equals to 64. I hope that's it. Sabhi? जी जी. आपने past papers भेजी हैं अभी तक या नहीं? नहीं. आज भेजूंगा या कल भेजूंगा. आपने वीडियो अपलोड कर दी पिछले दो दिनों से? सारी वीडियोस अपलोड हैं यार, apart from the first lecture. एक्चुअली मैं past papers पे काम कर रहा हूँ, बस इतना टाइम नहीं है कि मैं फर्स्ट वाली दोबारा रिकॉर्ड करूँ, बट मैं कर दूंगा. सर हमने कल वाली तो कर दी थी ना? जी जी कर दी थी. सर आपने असाइनमेंट चेक कर ली थी? दी थी आपको मैंने. नहीं, मैं असाइनमेंट सैटरडे संडे को सारी चेक करूंगा, क्योंकि आपकी मार्किंग करनी है उसमें सारी. जस्ट हैव टू अपलोड योर असाइनमेंट बस ऑन टाइम. सर जो असाइनमेंट समझ नहीं आ रही उसके करें. समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछो. वो बस जी मुझसे पूछें और सीखें. वो क्या करना है टेस्ट में, क्या करेंगे अगर असाइनमेंट समझ नहीं आ रही? आप असाइनमेंट्स के साथ आंसर्स भी दे दिया करें. दो असाइनमेंट्स नहीं है जिनके साथ शायद आंसर्स नहीं थे, वो डायरेक्टली मैंने मैथ्स वॉच से ली थी. बाकी असाइनमेंट्स आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट के कुछ असाइनमेंट्स के साथ आंसर्स दिए कल वाली और कुछ परसों वाली शायद आपने. यस, दो मैं वही कह रहा हूँ ना, दो जो असाइनमेंट्स मैंने, बल्कि कल वाली एक ही है. कल तो असाइनमेंट्स में उसके साथ आंसर्स हैं, दो पेजेस हैं उसके, उसके साथ बिल्कुल आंसर्स हैं. नीचे उसके पेज है, सेकंड पेज पे. जो परसों वाली थी ना, जो फंक्शन मशीन्स वाली थी, और उसके बाद मेरे ख्याल से एक और थी शायद इनवर्स ऑफ द फंक्शन, उन दो के आंसर्स देंगे. तो मैं वो रिनाथ से कह दूंगा, उसके पूरी हुई भी है तो आई विल सेंड यू द, बट उसने पूरा सोल्यूशन किया हुआ है. बल मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप लोग अपने आंसर्स देख लें ठीक हैं कि नहीं. थैंक यू. ओके, वेलकम. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर फोर, दिस इज वॉट वी आर हैविंग एज जी एक्स. ही सेड दैट फाइंड जी इनवर्स एक्स. सो आई एम गोइंग विद द सेकंड मेथड. फर्स्ट स्टेप वॉज आई हैव टू सब्स्टिट्यूट वट एवर जी एक्स इज, आई हैव टू राइट वाई. देन फोर यहाँ मल्टीप्लायर है, मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना था.
तो 4y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड 4y प्लस वन इक्वल्स टू एक्स. गॉट इट? आई मेड द एक्स सब्जेक्ट. नाउ आई हैव टू स्वैप द वैल्यू. आपने किया समझ नहीं आई. आप कल के लेक्चर में थे मोहम्मद नूर? आपने वीडियो देखी? सर देखनी थी लेकिन भूल गए. बस अभी आपने बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है? अब खामोशी से बिल्कुल बैठे रहें. 4x plus 1, दिस इज़ योर मिस्टेक मोहम्मदू. देखनी थी और आप भूल गए, तो फिर आप किस तरह आज के लेक्चर में बैठे हुए? एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. बाकियों का टाइम ज़ाया होगा अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो. मैं स्पीडली कर देता हूँ एक्सप्लेन. हम लोगों ने कल इनवर्स ऑफ द फंक्शन पढ़ा विद द मैथड 2. उसका मैथड के 4 स्टेप्स थे. जो भी हमारे पास फंक्शन होता है जिसका इनवर्स फाइंड करना होता है, उसको हम y सब्सटीट्यूट कर देते हैं. जी एक्स जो भी होगा वो y कर देंगे. y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 4, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी. देन वी विल मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला फॉर दिस होल इक्वेशन. यहाँ पे x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है. मीन्स वी हैव टू सेपरेट x. अब ये मैंने सारी वर्किंग की टू सेपरेट x एंड टू मेक x द सब्जेक्ट. अब x सब्जेक्ट बन गया. अब मैंने थर्ड स्टेप था मेरा, आई हैव टू स्वाप द वैल्यूज. जहाँ पे मेरे पास y है मैंने उसकी जगह x लिखना है, और जहाँ मेरे पास x है उसकी जगह y लिखना है, ठीक है? ये कुछ स्टेप्स थे जो आपने याद करने. सर जी, अगर मगर जो मैंने लेक्चर लिया था ना, उसमें आपने ये नहीं करवाया था कि जब माइनस आ जाता है तो आप जो वो फंक्शन होता है उसको जो होता है सब में उसको ऑपोजिट कर देते हैं, फिर वो पॉजिटिव में बदल जाता है. जी फिर आप सॉल्व करते हो. अब कल नहीं लिया ना लेक्चर आपने, फिर हमें क्या करूँ? आपने परसों वाला लेक्चर लिया है वो ही ना. परसों वाले लेक्चर में जो हमने बातें की थी वो वाली आप रिपीट करें ना, तो कल लेक्चर आपको लेना चाहिए था. शाम को लाजमी यार वीडियो देखा करो. इट्स फॉर एवरी वन. माइंड दिस थिंग, हुएवर इज़ इन द क्लास राइट नाउ, अगर मैथ्स का एक दिन भी मिस किया, दैट इज़ वाई आई एम अपलोडिंग द लेक्चर. और इसके लिए मुझे बड़ी मुसीबत होती है, बिकॉज आई हैव टू समटाइम्स एडिट द वीडियोज़ एंड इट टेक लाइक 2 or 3 hours. मुझसे नहीं इतनी, मैं इतना कोई ज़्यादा IT एक्सपर्ट नहीं हूँ. बड़ी मुश्किल से मैं एडिट करके उसे अपलोड करता हूँ. अपलोड आप लोगों के लिए ही करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई और आप लेक्चर नहीं ले सके, तो माइंड दिस थिंग, यू कैन नॉट कंटिन्यू दिस मैथमेटिक्स लेसन. आज का लेसन अगर कल का नहीं लिया ना, तो आज का लेसन आपको ऐसा लगेगा कि ये सबसे बड़ा बोरियत वाला लेसन और मुसीबत ज़्यादा लेसन. बिकॉज यू वर नॉट प्रेजेंट येस्टरडे, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट येस्टरडे, आपको किस तरह पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज़ आज कर रहा हूँ? So mind this thing, every day of mathematics is connected with the previous day. Ek lecture miss kiya, bas samjhe pura chapter gaya haath se. Ye yaad rakhna baat. This is not in specifically for functions, it's for every chapter. Yehi main class mein aapko baat karta hu ki apni jo absentees hain unhe kam kare. Jo maths ka lesson ho aur wahan pe absent ho gaye, to bas fir agle din aake kisi ne bhi ye nahi kehna कि सर ये हो गया था वो हो गया था. यू हैव टू इंश्योर योर प्रेजेंस. वेल एनी वेज, दिस इज़ माई आंसर फॉर जी इनवर्स एक्स. नाउ द थर्ड इज, वी हैव टू फाइंड जी एच एक्स. अगेन दिस इज़ अ कंपोजिट फंक्शन. वी आर हैविंग टू फंक्शंस, सो आई हैव टू ब्रेक. मैं थोड़ा सा इसे ज़रा सेपरेट करके लिखता हूँ. फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एक्स. एच एक्स की क्या वैल्यू है? दैट इज़ एक्स क्यूब. तो मैं एच एक्स की जगह एक्स क्यूब डाल रहा हूँ विद द जी नाउ. Now I have to find g x cube. What is my g here? This is all this function. So जहाँ पे भी मेरी right hand side पे x है, उसकी जगह मैंने x cube लिख देना है. So it's x cube minus 1 over 4. This is my answer. This equals to pichu. You will get one more. ये x cube इधर से है. x cube यहाँ से है. एच एक्स की वैल्यू देखो. एच एक्स की वैल्यू क्या है ब्रदर? ऊपर नज़र आ रहा है? सर वेट वेट, लेट मी आंसर हिम. ये ऊपर नज़र आ रहा है एच एक्स की वैल्यू? नो सर. ऊपर नहीं नज़र आ रही वैल्यू? एच एक्स की वैल्यू यहाँ ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है, एक्स क्यूब. सो ये रही. सो हियर आई सब्स्टिट्यूटेड जी लियास.
Sir, in the first one, you made the value of h 4. Can we substitute the value of h in the third question for with 4, or should we not? No. This is a different part. This is not the first one. Here we are having a totally different question. And here we are having a totally different question. Okay, sir. Now we are having a D part here. ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया है. होप ये नज़र आ रहा होगा. We have to find the solution to the equation fx is equals to zero. जी, anyone from the Westridge campus जो मुझे ये सॉल्व करवाए. How can I find the solution of the equation? Solution of the equation means we have to solve the equation. It means that we have to find the value of x. Nine. Directly answer 9. Who gave the answer? Maine. Who are you? Malaika. Malaika, mujhe solve karwaogi step by step. Yes, sir. I'll try. Kya likhun pehle? Sir, fx is equals to x minus p square. Okay. Then. Hum value x ki value substitute kar denge 0 ke saath. Excellent. Then sir, jab udhar dusri taraf p var x ki value ke saath use substitute kar denge, yahan pe bhi zero likh denge, yahan pe bhi zero likh denge. Yes sir, I think no. Agar yahan zero likh de to x hi gayab ho gaya, to hum kis ki value nikalenge? Sir, square hata denge side se, dusri side pe square root le lenge. Yeah, excellent. We have to take square root on both sides. हमने मलाइका x की value find करनी है, हमारा target ये है. अगर यहाँ मैं zero put कर दूँगा तो x तो ख़त्म हो जाएगा. It's like very difficult. Difficult क्या, impossible है. x ख़त्म हो गया तो value किसकी निकालेंगे? Square ने square root को cancel out कर दिया. Under root zero is zero. It's not with plus minus. Mind this thing. Plus minus zero के साथ नहीं होता क्योंकि एक ही बात होती है ये. So it's x negative 3. Now what is the value of x? Zero plus three equals x. So it means that the value of x is 3. So you'll get 1 mark for it. Don't confuse yourself, huh? Whenever he will ask you to solve the equation, he will give you some value of the function. Like here, he gave you 5x is equals to 0. It means that you have to substitute whatever it's written here, you have to substitute 0. Because the whole value of fx is 0. Well, yeah, this is the second question. Jin jin ko nazar nahi, I hope ye nazar aa rahi hai teenon cheezein aapko. Hx ki value main aapko likh deta hun. Hx is equals to 1 over 2 whole power x. Theek hai? Okay, ji, someone from the computer section. Heather, meri awaaz aa rahi hai, toh main ye mujhe solve karwao zara composite function. Heather ko lagta hai awaaz nahi aa rahi. Well, computer se mujhe, Faizan, if you are listening. Yes, sir. How can I find this, the first part, FG5? Sir, we will substitute fgx g5. Okay, first we will find g5. Yes, sir. It equals to 2x multiplied by 1 by, we will write 5 in. Yeah, then it is 1 over 10. Okay, then? Sir, then we will put the value of 1 over 10. Instead of g5. Yes, okay. So, I have g5 is 1 over 10. Likh diya. So, I am having 1 f 1 over 10. Ab kya likhu? Sir, 5 multiplied by 1 over 10 plus 4. Excellent. So, ye 5 is cancel kar dega 10 ko 2 ke saath. Faizani cancel kar dega?
या आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं कैंसिल कर दूं? यस. ओके, सो आई एम हैविंग 1 ओवर 2 प्लस 4. नाउ वील टेक एलसीएम, इट्स 1 सर. यस, सो द आंसर इज 9 ओवर 2. Okay, G, now the part B is GGX in its simplest form. Ilyas, if you are listening me, please can you help me to solve this question? GGX. Ilyas, am I saath hai class mein? I hope saath hi ho. Well, okay, Mohammadun. Ye wala lecture to tumne liya hua hai. जी सर. जी, मुझे प्लीज़ ये सॉल्व करवा दो जल्दी से. जी सर, सर लिखेंगे जी जी, उसके बाद ब्रैकेट में 1/2x, उसके बाद ब्रैकेट में 1/2x. अच्छा, फिर काश तो मेरे पास बैठे हुए होते. जी रामी, क्या मेरी आवाज़ इतनी डिले से आती है? सर. जी जी सर, मुझे आधी वर्किंग पता है, आधी नहीं पता. आधी क्यों नहीं पता यार, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो रामीन है लाइन पे, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. उस्मान भट्टी, इलियास, कोई भी आप मुझे प्लीज़ सॉल्व करवा दिए. भट्टी साहब, यू आर देयर? यस सर. जी जी, GX इज इक्वल्स टू 1/2x. So 1/x आंसर आता है. मैं अभी सॉल्व करूं, मुझे नहीं पता. अच्छा, फिर देन बटी, देन वी विल अगेन राइट GX. बट जस्ट अगेन राइट GX 1/2x एंड वी विल पुट द अदर 1/2x इन द x वैल्यू. नो, वी हियर वी हैव टू राइट GX. नो सर, 1/2x. या, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. 1/2x, then? Sir, and then again 1/2, and we will put the 1/2x in the x value. Excellent, excellent. Then? Sir, then we will cut 2, sir. We will divide, cut 2, and then we will have 1/1x. Yes, then? Yes, sir, then we will do the reciprocal. Exactly. Excellent, yaar, excellent. The value is x. And then we will have... Excellent, Usman, excellent. So the answer is x. Got it? We are having the same procedure for the composite function. Every question is like same. Sometimes we are having the value and sometimes we are having x. So koi masla nahi hai isme solve karne mein. I hope the things are clear now. Now part C, we have to find f... GG. x वो नंबर एक होता नहीं, मुझे पता नहीं उसे कहते क्या, जो साइड पर होता है. नहीं नहीं, साइड पे तो नहीं है. सी हियर, यहाँ कोई साइड पे है ये वो होल नंबर ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे मिक्स्ड नंबर्स कहते हैं. लाइक 3 होल 1/2 होल 1/2, तो इट्स नॉट रिटन हियर विद द साइड वन. यहाँ ये वाला अगर होल नंबर आप, नो दिस इज़ नॉट द होल नंबर मोहम्मद, डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ, दिस इज़ आउट साइड. ठीक है, दिस इज आउटसाइड, दिस इज नॉट द होल नंबर. पावर है ना, पावर कहां है? पावर, पावर को हमने डिवाइडेड पे कहते हैं. 1/2x पावर ही तो है उसकी, x पावर तो है उसकी 1/2 की. नहीं, क्या x पावर है यहां पे? अच्छा नहीं, मैं दूसरी क्वेश्चन देख रहा था. ठीक है सर. नाउ हाउ कैन यू फाइंड f इनवर्स x? अच्छा, अब मुझे हेल्प आउट करे कोई वेस्टेज में से, या आयशा, रिदा, पता नहीं मुझे आपके बॉयज़ के नाम नहीं आते. टू आर कनेक्टेड विद मी, मुझे सिर्फ उन्हीं कहते हैं. आयशा, सुहेल, इफ़ यू आर लिसनिंग मी,
अगर आपको नहीं आता तो स्ट्रेट वे बताएं ताकि टाइम ना जाया हो। रिदा वेट, आप कौन है? मुझे अपना नाम बताया करो यार। तनावुश। तनावुश वेट जरा। और कौन थी हमारी वेस्टर्श की लड़की? शानजे, यस आई फॉरगॉट। शानजे इफ यू कैन सॉल्व दिस एफ इनवर्स एक्स द पाथ सी, आई होप शी इज इन द क्लास। वेल दीज आर द पास्ट पेपर्स, अब आप लोगों ने खुद ये करने हैं सॉल्व। मैं पूरी असाइनमेंट दे दूंगा तो क्या होगा फिर? मुझे नहीं समझ आ रही, लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक वन और टू स्टूडेंट्स नो वन इज़ आंसरिंग मी करेक्टली। जी तनावुश प्लीज हेल्प मी आउट टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। Yes, sir. जी सर, लिखेंगे y equals hx 5x plus 3 plus 4. What? 5x plus 4. Sir, it's 4. Plus 4. फिर हम 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। There is no 3 here. I mean 4. Yeah. 4. Y minus 4. Y minus 4 equals 5x. Okay, then 5 to 3 to 5, and now we will swap 5 and y, I mean x and y. Okay, it's x minus 4. Okay, ye y jo hai f inverse hoga. Sir, gg, we can use method number 1, right? Sorry, we can use method number 1 as well. Yeah, we can use this is like very simple one. You can use the method number 1. So it's x minus 4 over 5. Method number 1 se bhi solve karun? Sir, nahi, maine usse kiya tha, to main isliye puch rahi thi ki usse kar sakte hain ya nahi. You are Rami? Malaika. Acha, okay. The value of x when hx is equals to 8. G, Westridge campus. प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ये मेरी बेचारी अजी टू ही सारे आंसर्स कर रही है, गलत कर रही है और सही कर रही है, वो कर रहे हैं आंसर्स। यू हैव टू टेक पार्ट। अपार्ट फ्रॉम मलाइका कोई और भी आंसर करे प्लीज़। मलाइका सर चेक करो कौन है हमारे साथ और वेस्टिश के। जी सर, हमारे साथ अल्फा है, आयशा है, ओ या इंशाल है, ओके मोहसिन है, वेट 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 अल्फा और एक और बच्चा है। जी अरफा जी, थोड़ा ज़रा माइक के करीब आए। अब आप माइक के करीब आई हैं। या ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एच एक्स इज इक्वल्स टू 8। कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस क्वेश्चन? सर मैं बताऊं? वेट वेट वेट, अरफा लाइन पे हैं आप? यार लेट अदर पार्टिसिपेट, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर सो, आई थिंक इट्स मे बी अ टेक्निकल फॉल्ट और समथिंग। अच्छा मुझे अरफा के बाद मोहसिन साहब, मोहसिन को तो आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है। मोहसिन माइक है तुम्हारे पास? माय गॉड, या क्या हुआ? नेट चला गया था मेरा, सॉरी। ओके यू आर अल्फा, अल्फा मुझे सॉल्व करवा दो ये। सर एच एक्स 8 होगा इज इक्वल्स टू 1/2, सो आई हैव टू राइट व्हाट थिंग फर्स्ट। मैं लिखता हूँ एच एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 x, ये पूरा सॉरी दिस इज 1/2 एंड द पावर एक्स। ओके देन जी फिर क्या करूंगा? अब ये 8 हो जाएगा x। ओके देन 1/2 व्हाई एम राइटिंग x हियर। ओके देन उस x की वैल्यू भी होगी। या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ना, व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी आर हैविंग x एज अ पावर, आई हैव टू रिमूव दिस x, व्हाट आई हैव टू डू? हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। इधर भी 8 नहीं होगा इस x की जगह भी।
अगर 8 होगा एक्स की जगह 8 नो वो किस तरह पता चला आपको 8 होगा मुझे जस्टिफाई करें एक्स की इधर भी एक्स की एक थी तो नो अच्छा वेल एनीवेज जी कोई और सॉल्व कर सकता है इसे आई एम हैविंग 8 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रेज्ड टू द पावर एक्स सर स्क्वायर रूट आई मीन सर पावर का रूट ले लेंगे 1 बाय 1 अच्छा ओके अगर रूट ले लूं तो ये आ जाएगा 8 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा 1 बाय 2 मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आया था देखें 8 इज इक्वल्स टू अगर मेरे पास 1 बाई 2 है ना तो इसको मैं 0.5x लिख देता हूँ ठीक है ना यू हैव टू सर्च इन योर कैलकुलेटर्स कि मैं 0.5 की कौन सी वैल्यू x की लूँगी या लूँगा तो मेरे पास 8 वैल्यू आएगी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो मैं यहाँ पे 0.5 का मैं पावर लूँगा तो मेरे पास 8 आ जाए आई होप सो मेरे पास यहाँ कहीं का पास कैलकुलेटर या आई एम हैविंग कैलकुलेटर So I'm writing point. आप की बार लग्जरी रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं 0.5 को स्क्वायर करता हूँ तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, छोटी वैल्यू आ जाती है। क्या करूँगा? Anyone? क्यूब? 0.5 का क्यूब सर 0.5 का नेगेटिव क्यूब लेना है 0.5 का नेगेटिव क्यूब लेना है ये मुझे आपको इफ आई टुक 0.5 नेगेटिव यू आर सेइंग नेगेटिव क्यूब लूं यस सर फिर क्या होगा सर फिर 8 आ जाएगा आंसर 0.5 नेगेटिव क्यूब यस वी आर गेटिंग 8 4 आ रहा है वो नहीं आ रहा यार 8 आ रहा है एक मिनट रुक जाए लेट मी मेरे पास मैं ये रेज कर दूँ सारी स्लाइड में जो इंक है आई एम रेजिंग इट ऑल हाँ या ठहरो यहाँ पे कर लेते हैं यार इंडेसेस में आप लोग थोड़े बहुत वीक हैं और वो वेस्टेज बोले तो कह चलो मैं आई एम नॉट मैं ये इंडेक्सेस के क्वेश्चंस नहीं डालूंगा जो फंक्शंस के साथ हैं पेपर में ताकि ये वेस्टेज वालों को प्रॉब्लम ना हो अच्छा द थिंग इज वी आर हैविंग 8 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 एक्स ठीक है अब मैंने एक्स की वैल्यू वो लेनी है जो ये सारी चीज़ उसको 8 बना दे I have to take that value of x, which will make the whole thing here 8. तभी जाके वो x की value मेरे पास आएगी. Now I have to check for the values. अभी मुझे एक answer आया that if I took minus 3, अगर ये मैं minus 3 लूँगा, तो I have to check for from my calculator. If I put like 0.5, 1 over 2 का मतलब होता है 0.5, और इसकी power negative 3 लें आप, तो क्या होगा? No one is answering. It's actually, this is 0.3 whole cube. अगर आप लोगों के पास scientific calculator है, तो 0.3 whole cube का मतलब है, it's 1 over 8. ठीक है, ये आपको answer देगा जब 0.5 cube is actually 1 over 8. ठीक है? 1 divided by 1 over 8. It's 1 multiplied by 8. So I'm getting 8 as an answer. It means my left hand side and my right hand side are exactly equal. Kis value of x ke liye? Only for minus 3. So my value of x is negative 3 here. I hope we are clear here. Aapke paas jo hai na calculator hoga. 0.5 and you are having a proper button for the power. Us power ke andar aapne different values dalni hai ki aapke paas jab tak 8 answer nahi aata you have to substitute the values. एंड फॉर माइनस थ्री आप लोग डालेंगे पहले अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हैं तो चीज़ें कम होती जाएंगी लाइक इफ़ यू आर पुटिंग द वैल्यूज 0.51 इट्स 0.5 एंड इफ़ यू आर स्क्वेयरिंग इट इट विल गेट 0.25 इट विल फर्दर रिड्यूस इट
तो इसका मतलब ये है दैट आई हैव टू पुट द वैल्यूज विच इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए तभी जाके वैल्यूज़ बढ़ेंगी मेरी। तो मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव वन डालूंगा, उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आएगी, फिर एक्स की वैल्यू नेगेटिव टू डालूंगा उससे फर्दर ज़्यादा आएगी, और देन नेगेटिव थ्री जब डाली आई गेट द वैल्यू 8। आई होप आई एम क्लियर हेयर। ये सारा इंडेसेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले चैप्टर में जो इंडेसेस के लॉस थे उनके साथ क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है जी। सो फॉर टुडे वी आर हैविंग दिस टिल दिस स्लाइड, बस यहाँ तक एंड करते हैं। कल हम लोग फर्दर एक दो क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, एंड देन मंडे यू आर हैविंग टेस्ट। प्लीज़ अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वट एवर असाइनमेंट्स आई हैव पोस्टेड, यू हैव टू सेंड मी द प्रॉपर सोल्यूशन विद अ वेरी फेयर प्रेजेंटेशन। ये ना हो कि आपकी लिखा हुआ पूरे, मेरे पास एक दो एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो देना नहीं चाह रहा कि मैं जो है ना स्टूडेंट का फिर प्रॉब्लम होता है। बहुत साफ़ सुथरा लिख के सबमिट करवानी है ताकि मैं इजीली चेक कर सकूँ। जो भी असाइनमेंट जिसकी डेडलाइन आज की जो डेडलाइन है वो असाइनमेंट विद द आंसर्स पोस्ट हुई हुई है, जिनके आंसर्स नहीं हैं जो भी आपकी वर्किंग आ रही है, माइंड दिस थिंग, वट एवर वर्किंग यू आर हैविंग यू हैव टू अपलोड इट, ठीक है, बिफोर द डेडलाइन। जी मैंने ना फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 6 का ना वो मशीन वाले मेथड से कर लिया है, लेकिन फिर मुझे याद आया आपने मेथड 2 कहा था, तो बाकी मैंने मेथड 2 से ही किया। ठीक है ठीक है, एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। सो आई होप हमारा मंडे का टेस्ट सारे स्टार्स लेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज, किसी को क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले, नहीं तो वी टाइम इज फिनिश्ड नाउ, आप लोग भी रेस्ट करें, इट्स 2 o'clock, फिर शाम को क्या, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।